हेलो व्यूवर्स, जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया है, वो भी आटे से। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जन्माष्टमी के अवसर पर मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन गरम कर दिया है। उसमें एक कप मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ और इसी कप से मैं घी भी डालूँगी। तो एक कप घी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये घी ना ही गाढ़ा है और ना ही पिघला हुआ है, ये नॉर्मल है। अब इनको हम मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मेरा आटा जो है बिल्कुल भून चुका है। कटोरी से मैंने घी और आटा लिया था, उसी कटोरी से मैं एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और एक कटोरी मैंने जो मेजरमेंट मैंने आटा और घी और डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है, मेजरमेंट करते हुए मैंने बादाम का पाउडर बना लिया है, तो उसे भी एक कटोरी में डाल देती हूँ और इसे धीमी आंच पर मैं भूनूंगी। इसे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और घी छोड़ना भी शुरुआत कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैंने उसी बोल से एक कटोरी दूध लिया है जिसमें मैंने केसर और पीला कलर मैंने डाल दिया है। कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा रंग आता है। और इसी समय हम 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर मैंने पीसा नहीं है तो 2 कटोरी मैं शक्कर भी डाल देती हूँ और इसे हम धीमी आंच पर चलाएंगे जब तक कि हमारा दूध और शक्कर एक सार नहीं हो जाता। ये देखिए, शक्कर भी घुल गया है और हमारा जो मिश्रण है वो सूख गया है और साइड से आप देख रहे होंगे घी भी निकलना शुरू हो गया है। तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है और सारा मेजरमेंट एक एक कप का मैंने लिया हुआ है, इसलिए कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भोग में ज़रूर रखें। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। बोल को मैंने पहले से ही घी लगाकर ग्रीस कर लिया है, तो मिश्रण मैं उसी में डाल देती हूँ। आप इसका बर्फी भी बना सकते हो, लड्डू भी बना सकते हो और ये हलवा के जैसे भी सर्व कर सकते हो। लेकिन लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि उनका भी बर्थडे हम केक के जैसे बनाकर उनको सर्व करें, भोग लगाएं। तो इसलिए मैं एक बोल में उसे अच्छी तरह से फैलाकर ठंडा करूँगी और एक प्लेट में उल्टा करके इसे निकालूँगी तो केक का शेप आ जाएगा। भोग को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है, उसे बादाम से मैंने गार्निशिंग किया है। इस जन्माष्टमी आप इसी तरह का भोग बनाइए जो कि बहुत ही टेस्टी और मात्र 10 मिनट में बन गया है। तो यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।